आज हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत लास्ट में एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर का नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल हिंदी में इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जय भू रासायनिक चक्र। शुरू में जब हम लोग इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे थे तो आप लोग को मैं बताया था कि इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है ये बायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट से होता है वो पुनः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और तीसरा होता है क्लाइमेटिक। और ये जो बायोटिक फैक्टर होता है इसको हम लोग पुनः तीन प्रकारों में बांट देते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डीकम्पोजर। तो यहां पर हम लोग अध्ययन किए थे जो अकार्बनिक कंपाउंड से होता है, अकार्बनिक कंपाउंड से होते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, रासायनिक तत्व आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब रासायनिक तत्व आते हैं। ये सब रासायनिक तत्व इकोसिस्टम में इनकी मात्रा हमेशा एक समान बनी रहती है, मतलब कभी भी ज्यादा या भी कभी भी कम नहीं होती है। इसका मूल कारण मैं क्या बताया था, क्योंकि एक चक्र चलाते रहते हैं, एक नियमित चक्र चलती रहती है, मतलब एक नियमित चक्र के अंतर्गत या तो पहले एबायोटिक फैक्टर में रहेंगे, फिर ये आगे चलकर प्रोड्यूसर में चले जाएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर और उसके बाद फिर डीकम्पोजर में चले जाएंगे और यहां से पुनः कहना चाहिए वो एबायोटिक फैक्टर में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कहना चाहिए यहां पर जितने भी जो रासायनिक तत्व होती है वो सब एक नियमित चक्र द्वारा चलते रहते हैं, जिसके कारण इन एलिमेंट्स की जो मात्रा होती है वो कभी भी कम नहीं होती है और न ही ज्यादा भी नहीं होती है। तो इसी चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, जय भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्लियर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। ये जो जय भू रासायनिक चक्र होते हैं जनरली तौर पर इसको हम लोग दो प्रकारों में इसको बांट देते हैं। पहला क्या होता है गैसेस साइकिल और दूसरा क्या होता है सेडिमेंट्री साइकिल, मतलब अवसादी चक्र, और ये होते हैं गैसीय चक्र। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल ये टू टाइप के होते हैं। पहला होते हैं गैसेस साइकिल और सेकंड होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये जो गैसेस साइकिल होते हैं इसके अंतर्गत हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये विशेष रूप से कहना चाहिए चार चक्र इसके अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, जो मुख्य रूप से गैसेस चक्र के रूप में पाई जाती है। उसके बाद है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, अवसादी चक्र, इसके अंतर्गत फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चक्र के अंतर्गत आते हैं। कई बार इसको नीट में पूछा जाता है, इनमें से किसी एक को दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये गैसेस साइकिल है कि ये सेडिमेंटरी साइकिल है। ठीक है, एक बार इसको पूछा गया था सल्फर को,
ठीक है, सल्फर सेडिमेंट्री साइकिल होती है। ठीक है, मतलब यहीं पर आपको कंफ्यूज करके कोई भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपको याद करके रखना है कि ये सब गैसेस साइकिल है और ये क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। क्लियर। किसी भी जो जीव होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, यदि कहना चाहिए बॉडी का एनालिसिस किया जाता है, तो हमारे प्रोटोप्लाज्म में, चाहे वो पौधे का प्रोटोप्लाज्म हो सेल का, चाहे एनिमल सेल का कहना चाहिए प्रोटोप्लाज्म हो, उसमें 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 34 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें 34 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब अनिवार्य तत्व कहा जाता है इसको। और ये अनिवार्य तत्व जो 34 प्रकार के होते हैं, इसको पुनः दो प्रकार में बांट दिया जाता है। एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स और एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स। इसको कहा जाता है दीर्घ तत्व और इसको कहा जाता है सूक्ष्म तत्व। मैक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत ऐसे तत्व आते हैं जो हमारे शरीर में मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत सी एच ओ एन पी के एस ये सब विशेष रूप से आते हैं। सी एच ओ एन पी के एस यह है कार्बन, यह है हाइड्रोजन, यह है ऑक्सीजन, यह है नाइट्रोजन, यह है फास्फोरस, यह है पोटेशियम और यह है सल्फर। ठीक है, जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, या फिर पौधे के जो शरीर होते हैं उसमें मुख्य रूप से ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सी एच ओ, उनमें सबसे अधिक मात्रा में ओ पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये सब एलिमेंट्स हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण इसको मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, दीर्घ तत्व या दीर्घ मात्रक तत्व कहा जाता है। उसके बाद है माइक्रो एलिमेंट्स, जो हमारे शरीर में या पौधे के शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसको माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत माइक्रो के अंतर्गत मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, बोरान होता है, मोलिब्डेनम होता है और आयरन होता है। ये सब माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कम मात्रा में तो चाहिए, ये यदि और कम हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ये जो आयरन होते हैं इसको दोनों की बीच की कड़ी कहा जाता है, मतलब मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स दोनों की बीच की कड़ी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 12वीं के सिलेबस के अनुसार दो चक्र दिया गया है 12वीं के सिलेबस में, जो सीजी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें, लेकिन जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें कहना चाहिए चार चक्र का अध्ययन किया गया है। जो सीजी बोर्ड है उसमें कार्बन साइकिल और एक फास्फोरस साइकिल, मतलब फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र दो को सिलेबस में रखा गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी का है उसमें कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र और नाइट्रोजन चक्र, चार चक्रों का वहां पर सिलेबस में रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग चार चक्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन चार चक्र के लिए हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र में एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ये परीक्षा में आते हैं तब आपको उस चित्र को अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बायो जियो केमिकल साइकिल। पहले बताना है कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होते हैं। ठीक है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व आते हैं, केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, जिनकी मात्रा कभी भी ज्यादा या फिर कम नहीं होती है, क्योंकि वो इकोसिस्टम में हमेशा एक नियमित चक्कर चलाते रहते हैं। ठीक है,
नियमित चक्र के दौरान कभी प्रोड्यूसर में, कभी प्राइमरी कंज्यूमर, कभी सेकेंडरी, कभी टर्शियरी, कभी डिकम्पोजर, उसके बाद पुनः एबायोटिक कंपोनेंट्स में जाते रहते हैं एक नियमित चक्र के रूप में, जिसके कारण इनकी मात्रा कभी भी ज्यादा या फिर कम नहीं होती है। क्लियर। अब ये टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं गैसेस और दूसरे होते हैं सेडिमेंटरी। ठीक है, गैसेस के अंतर्गत ये आते हैं और सेडिमेंटरी के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर। ये जो गैसेस साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, विशेष रूप से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब के स्त्रोत मुख्य रूप से या तो जल मंडल रहेंगे या फिर वायुमंडल रहेंगे। मतलब ये जो चार चक्र है इनके मुख्य स्त्रोत या तो कहना चाहिए वायुमंडल रहेंगे या फिर जल मंडल। मतलब ये सब गैसेस साइकिल वाले जो एलिमेंट्स हैं या तो वायुमंडल में रहेंगे या फिर जल मंडल में, इनका मुख्य स्त्रोत है। स्थल मंडल में भी रह सकते हैं लेकिन उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो सेडिमेंटरी साइकिल है, अवसादी चक्र है, इसके अंतर्गत ये फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये सब आते हैं। इनके मुख्य स्त्रोत मुख्य रूप से स्थल मंडल होते हैं। स्थल मंडल मतलब स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी भी आ सकते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले जो सॉइल्स होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो हो सकते हैं, और स्थल मंडल या फिर पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टान हो सकते हैं। मतलब पृथ्वी में पाए जा सकते हैं, सॉइल्स में पाए जा सकते हैं, चट्टान में पाए जा सकते हैं, और इसको कुल मिलाकर तीनों को एक शब्द बोल देंगे तब क्या हो जाएगा, ये स्थल मंडल। मतलब गैसेस साइकिल के एलिमेंट्स है वायुमंडल और जल मंडल में विशेष रूप से, और जो सेडिमेंटरी साइकिल होते हैं इनके एलिमेंट्स मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्लियर। अब यहां पर चार चक्र का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कार्बन साइकिल का अध्ययन करेंगे, कार्बन चक्र का। कार्बन चक्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चित्र बता रहा हूं, ठीक है, ये चित्र आप लोगों को पुस्तक में मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन आते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको इस चित्र को बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। पहले जान लेते हैं कार्बन के स्त्रोत, मतलब कार्बन कहां कहां पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन होते हैं मुख्य रूप से इनका स्त्रोत होता है जो हमारे शरीर का निर्माण करने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमको पहले से पता है कोई भी जीव, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, हमारा शरीर मुख्यतः किससे बना होता है, कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट्स, इसमें विशेष रूप से कार्बन पाई जाती है। कार्बन का मुख्य स्रोत होता है हमारे शरीर का निर्माण करने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, इसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनको छोड़कर ये कहना चाहिए कार्बोनेट युक्त जो चूना पत्थर होते हैं, कार्बोनेट युक्त चूना पत्थर होते हैं, उसमें भी विशेष रूप से पाए जाते हैं, और ये स्थल मंडल में भी पाए जा सकते हैं, मतलब वायुमंडल बोल सकते हैं, मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल में हम लोग पहले से पता है, जैसे कि वायुमंडल कहते ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका नाम आता है, ठीक है। जो N2 होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, वो हमको पहले से पता है, ये 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये कार्बन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसको छोड़कर जो कार्बोनेट युक्त चूना पत्थर में ही पाए जाते हैं और वायुमंडल में भी पाए जाते हैं।
इनको छोड़ देते हैं तो ये कुछ मात्रा में सागर मतलब जल में भी पाए जा सकते हैं। और ये कोल और पेट्रोलियम पदार्थ, इतने में कार्बन विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनके स्रोत को आप लोग याद रख लेंगे कि किसमें पाई जाती है, तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोनेट युक्त चूना पत्थर, और वायुमंडल में, और जल में, और कोयले में, और पेट्रोलियम पदार्थ में भी पाए जाते हैं। ये कोल को तो हम लोग पहले से याद है, कार्बन के आधार पर ही कहना चाहिए। चार प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। कोयले जनरली तौर पर कोल चार प्रकार के होते हैं, कार्बन की प्रतिशत के आधार पर, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत 90% तक होती है, मतलब उच्च क्वालिटी के कोयले में कहना चाहिए कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम पदार्थों में भी विशेष रूप से पाई जाती है। तो ये सब कहना चाहिए कार्बन का क्या है, ये स्रोत है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि अपना चक्र ये कैसे चलाते रहते हैं और इनकी मात्रा हमेशा एक समान क्यों बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, ठीक है। अब इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये चित्र दिमाग में बैठ गया तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि चित्र दिमाग में नहीं बैठा तो इसको आप लोगों को रटना पड़ सकता है। तो यहां पर देखिए वायुमंडली कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जस्ट आप लोग को मैं बताया था वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसमें CO2 में कहना चाहिए कार्बन प्रेजेंट है। तो वायुमंडली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल में कहना चाहिए क्या है, कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां पर लिख दिया हूं पादप प्लांट, ये कहना चाहिए फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। पहले आप लोग को मैं फोटोसिंथेसिस के एक समीकरण बता देता हूं, क्योंकि कहना चाहिए जो पादप होते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, मतलब वायुमंडलीय CO2 का ही उपयोग करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उस दौरान ये कौन से कार्बन का उपयोग करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट में भी कहना चाहिए कार्बन प्रेजेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस का एक समीकरण है। ये फोटोसिंथेसिस का समीकरण है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। उनकी पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। ये क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उस पौधे के शरीर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, उनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान मुख्य रूप से कहना चाहिए इन चार को याद करके रखना है। पहला है क्लोरोफिल, सेकंड है सनलाइट, और तीसरा है वाटर, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, मतलब पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडली CO2 को ही ग्रहण करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसमें भी क्या पाई जाती है, कार्बन भी पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का समीकरण है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे तो यहाँ पर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और वाटर भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये कहने चाहिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। अब यहां पर देखते हैं पादप
मतलब ये क्या है, ये ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। ये वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करेंगे, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का कार्य करेंगे, क्लियर। फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया गया। अब ये जो पादप है, फोटोसिंथेसिस के बाद इनके शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इनके शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, ये पादप यदि श्वसन करते हैं, ये पादप रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करेंगे तो यहां पर CO2 को ग्रहण किए थे और O2 को क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, ठीक है। मतलब ये पादप है, अब यहां पर इनके शरीर में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहां पर ये श्वसन करते हैं, तो श्वसन के बाद कहना चाहिए जो रहेगा ये वायुमंडल में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे CO2, ठीक है। इनके शरीर में ऑलरेडी कहना चाहिए ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको 6O2 द्वारा उसको ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो पुनः क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो उस CO2 को क्या कर देते हैं, वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। अब इसके बाद इस एरो को देखिए, ये पादप है मतलब प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को मतलब उत्पादक को कंज्यूमर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल है, एनिमल मतलब कोई भी कंज्यूमर इसको मान सकते हैं, चाहे आप प्राथमिक माने, चाहे द्वितीयक माने, चाहे तृतीयक माने, कुल मिलाकर एनिमल, ये एनिमल इसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये भी कहना चाहिए आगे चलकर क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, ठीक है। तो श्वसन में ऑक्सीजन का तो उपयोग होता है, लेकिन बाद में CO2 की उत्पत्ति होती है, तो उस CO2 को पुनः वायुमंडल में क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, क्लियर। ये पादप श्वसन की सहायता से डायरेक्ट CO2 को मुक्त कर सकते हैं, और ये जंतु भी श्वसन के माध्यम से CO2 को क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद ये जो पादप है, ये आगे चलकर क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो मृत पादप ये जंतु है, ये भी आगे चलकर क्या हो सकती है, मृत हो सकती है। तो ये भी मृत पादप और ये भी क्या है, मृत जंतु, ठीक है। ये जो मृत जंतु है या फिर मृत पादप है, तो इस एरो को देखिए, ये आगे चलकर कहना चाहिए मृत होने के बाद जो डीकम्पोजर होते हैं, इनके शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सिंपल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देंगे, तो ये CO2 पुनः वातावरण में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये जो मृत जंतु है, ये आगे चलकर पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब मृत जंतु से ही बनते हैं। और ये जो मृत पादप है, ये आगे चलकर क्या बना लेते हैं, कोल बना लेते हैं, ठीक है। जो कोल होते हैं वो पादप से ही बने रहते हैं, पादप का ही कहने चाहिए जीवाश्म होते हैं। तो ये आगे चलकर पेट्रोलियम पदार्थ है और ये आगे चलकर कोल, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दहन का कार्य करेंगे, जलाने का कार्य करेंगे। तो इन दोनों में क्या होती है, कार्बन ही होती है, क्योंकि इनमें भी घटक क्या रहेगा, कार्बन, इसमें भी क्या रहेगा, कार्बन। इन दोनों को हम लोग दहन करेंगे, जलाने का कार्य करेंगे, तो ये चाहे इसको हम लोग इंडस्ट्री में जलाते हो।